नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। छत्तीसगढ़ सरकार माइंस की खुदाई करने के बजाय हितों की चिंता में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में सरकार का गुंडा राज चल रहा है। जगदलपुर में अपराधी के खिलाफ आवाज उठाने वाले भाजपाइयों को जेल भेज दिया गया। बीजेपी सदस्यों ने कांग्रेसी पार्षद के भ्रष्टाचार को उजागर किया था। अपराधी जेल के बजाय अस्पताल में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सत्ता में बैठ अवैध और वैध तरीके से केवल पैसा कमाने में लगे हुए हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल ने जगदलपुर केंद्रीय जेल में बंद भाजपा के नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता से मुलाकात की। कांग्रेस की तो कोई कार्यप्रणाली है ही नहीं, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने अभी आपको बताया, खाली विरोध करने वालों के खिलाफ में बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करती है, बदले की कार्रवाई करती है। एक जो अपराधी है वो तो जेल के बजाय अस्पताल में है, और जो अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हैं वो जेल में है। तो जनता ये सब चीजों को देख रही है और इसका बदला जनता लेगी।